अस्सलाम वालेकुम वेलकम इन माय कुकिंग वैली आज मैं आपसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये मज़ेदार से चिकन चाउमीन बहुत जल्दी बन जाती है तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डेढ़ सौ ग्राम चिकन लिया है और देखें इस तरह स्ट्रिप में कट कर लिया है और अब इसमें डालेंगे वन फोर टी स्पून क्रश किए हुए ब्लैक पेपर और आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं वन फोर टी स्पून हुई मिर्च वन फोर टी स्पून भर के नमक वन फोर टी स्पून गार्लिक पाउडर और अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप घर में पिसा हुआ गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं वन टेबल स्पून भर के मैदा डालेंगे और मैदे से क्या होगा कि जो मसाले हमने डाले हैं वो चिकन पे बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे और इस तरह चिकन खाने में बहुत ही मजेदार हो जाता है और अब इसमें वन टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे बस इतना डालेंगे कि मैदे में चिकन अच्छी तरह से कोट हो जाए ये मिक्स हो गया है इसे कवर कर देंगे और एक साइड पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और इतनी देर में हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं तो एक पतीली में मैंने पानी को पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था और देखिए इसमें अच्छा सा बॉईल आ रहा है तो अब हम इसमें डाल देंगे वन टी सॉल्ट और एक बार नमक को मिक्स कर लेंगे पानी में तो नमक मिक्स हो गया है अब इसमें डालेंगे हम डेढ़ ग्राम पास्ता और पास्ता को पानी में हम तोड़ के नहीं डालेंगे इसी तरह साबुत डालेंगे जैसे ही पानी में डिप वाला हिस्सा सॉफ्ट होगा तो सारा पास्ता खुद ही पानी में अंदर चला जाएगा देखे आप सारा पास्ता पानी में डिप हो गया है और पास्ता को छह से सात मिनट हम बॉइल करेंगे और इसे नाइनटी तक कुक कर लेंगे तो सात मिनट हो गए हैं पास्ता को बॉइल होते हुए इसे चेक कर लेते हैं तो देखें ये आसानी से हाथ से टूट रहा है और इसे हमने 99 परसेंट तक कुक किया है और अब इसे हम पानी में से निकाल लेंगे और पास्ता को हम छन्नी में रख देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाए तो देखिए पास्ता को यहाँ मैंने एक छन्नी में रख लिया और अब इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो पास्ता का कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं रुक जाए और अब इसमें वन टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह ऑयल डालने से पास्ता आपस में चिपकता नहीं है ये अलग अलग खिला खिला रहता है और इसे स्टैंडर इस में ही रखे रहने देंगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो चिकन को रेस्ट पे रखे हुए पंद्रह मिनट हो गए हैं और चलते हैं चिकन को फ्राई करने के लिए तो चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक पैन में हम फाइव टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और आप चाहें तो चिकन को डीप फ्राई भी कर सकते हैं और ऑयल को गर्म होने देंगे और ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और चिकन को ऑयल में सात से आठ मिनट हम फ्राई कर लेंगे कुक कर लेंगे अच्छी तरह से कि चिकन गल जाए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और आपके कमेंट्स करने से मुझे पता लगेगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है आठ मिनट में देखें चिकन बहुत अच्छा क्रिस्पी गोल्डन सा फ्राई हो गया है लाइट मसालों के साथ चिकन बहुत ही टेस्टी लगता है तो पैन में से हम जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेंगे क्योंकि हमने ज्यादा ऑयल चिकन को फ्राई करने के लिए डाला था और पैन में तकरीबन सिर्फ हम टू टेबल स्पून ऑयल जितना रहने देंगे और चिकन को पैन में ही इस तरह साइड पे लगा देंगे ताकि ऑयल जो है हमारा बीच में आ जाए और फ्लेम इस वक्त हमारा लो है और इस ऑयल में डालेंगे एक लहसन का जवा जिसे मैंने चॉप कर लिया है और वन फोर टी स्पून ग्रेव की हुई अदरक और लहसन और अदरक को कोई कलर नहीं देना है हमें सिर्फ पंद्रह से बीस सेकेंड के लिए इसे गर्म ऑयल में सोते करेंगे तो लहसन अरक सोते हो गया है और अब इसमें कुछ वेजिटेबल एड करेंगे एक स्मॉल साइज की रेड बेल पेपर और इसे मैंने काट लिया है और एक मीडियम साइज की शिमला मिर्ची जिसे मैंने आधा काट के लिया है और एक स्मॉल साइज की गाजर कट की हुई और आधा कप कटी हुई बंद गोभी और सारी वेजिटेबल को यहाँ मैंने लंबाई में काटा है और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं और अब वेजिटेबल और चिकन को मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे तीन मिनट के लिए भून लेंगे और वेजिटेबल को हम यहाँ बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि वेजिटेबल का हमें क्रंच खत्म नहीं करना है और सब्जियों को लो फ्लेम पे भी नहीं भूनेंगे क्योंकि लो फ्लेम पे भूनने से सब्जियां पानी छोड़ देती हैं वो क्रंची नहीं रहती हैं तो चले तकरीबन तीन मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून मिर्च हाफ टी स्पून सॉल्ट वन फोर टी स्पून भुना कुटा जीरा और वन फोर टी स्पून क्रच की हुई काली मिर्च और आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं और वन टेबल स्पून भर के चिली सॉस वन टेबल स्पून भर के सोया सॉस और वन फोर टी स्पून विनीगर तो एक बार सारी चीज़ों को सॉस और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और सॉस जो हमने डाले हैं उसे पका के हमें ड्राई नहीं करना है बस यहाँ पर हमें इसे मिक्स करना है क्योंकि हम चाउमीन को हल्का सा सॉस ही रखेंगे तो ये मिक्स हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे फोर टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस और इसे भी मिक्स कर लेंगे तो ये भी मिक्स हो गया है और अब इसमें डालेंगे हम बॉईल किया हुआ पास्ता और इसे भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये मिक्स हो गया है और लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि जो पास्ता हमने 99 परसेंट तक कुक किया था वो डन हो जाएगा और सारे मसालों और सॉस का टेस्ट पास्ता में भी आ जाएगा तो दो मिनट हो गए हैं तो मजेदार सा लाइट सॉसी सा पास्ता हमारा तैयार है तो मैं इस पास्ता को सर्व करती हूँ और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है और ये पास्ता बहुत ही मज़ेदार होता है और जो चिकन हमने इसमें कोट करके डाला है उसका टेस्ट बहुत अलग आता है और अचानक कोई मेहमान आ जाए या घर वालों के लिए आपको बनाना हो तो ये झटपट बन के तैयार हो जाता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिए मिलती हूँ नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़